हेलो एवरीवन वेलकम टू ए के नॉलेज टॉक माय नेम इज अमन भारद्वाज तो आज हम क्लास ट्वेल्थ ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर स्टडी करेंगे द थर्ड चैप्टर इज पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन सो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन व्हाट इज सेक्स रेशियो एंड सेक्स कॉम्पोजिशन व्हाट इज एज स्ट्रक्चर एज सेक्स पिरामिड रूलर अर्बन कॉम्पोजिशन एंड लिटरेसी तो इन सभी टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन क्या होता है सो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू करेक्टरिस्टिक्स सचेस एज एंड सेक्स ठीक है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन हेल्प टू नो द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल तो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन से हमें किसी भी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले मेल एंड फीमेल के रेशियो का पता चलता है ठीक है एज ग्रुप का पता चलता है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन से हमें सेक्स का पता चलता है कि किसी भी पर्टिकुलर रीजन में कितने मेल है कितने फीमेल हैं ठीक है ऑक्यूपेशन का पता चलता है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में कि जो किसी पर्टिकुलर रीजन में कितने लोग प्राइमरी एक्टिविटी में कितने सेकेंडरी एक्टिविटी में है एजुकेशन का पता चलता है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी का पता चलता है तो बेसिकली ये है आपका पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन ओके नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्स कॉम्पोजिशन एंड सेक्स रेशियो ठीक है तो ये पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में ही आता है सेक्स कॉम्पोजिशन एंड सेक्स रेशियो तो ये होता क्या है द सेक्स रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वूमेन एंड मैन इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेक्स रेशियो तो ये आपका डेफिनेशन है सेक्स रेशियो का और सेक्स कॉम्पोजिशन का ठीक है इसके दो फॉर्मूले हैं एक ये है और दूसरा ये है तो जो वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री में जो फार्मूला यूज किया जाता है वो ये वाला फार्मूला यूज किया जाता है मेल पॉपुलेशन अपाउंड फीमेल पॉपुलेशन इनटू थाउजेंड ठीक है और जो फीमेल पॉपुलेशन अपाउंड मेल पॉपुलेशन इनटू थाउजेंड ये आपका इंडिया में इस फार्मूला का यूज किया जाता है ठीक है तो ये है आपका सेक्स कॉम्पोजिशन और सेक्स रेशियो ठीक है जो सेक्स कॉम्पोजिशन और सेक्स रेशियो से हमें किसी भी पर्टिकुलर रीजन का ये पता चलता है कि कहाँ पे सेक्स रेशियो नेगेटिव में है कहाँ पे सेक्स रेशियो पॉजिटिव में है कहाँ पे फीमेल का नंबर कम है कहाँ पे मेल uh, का नंबर ज़्यादा है और इसके कुछ फैक्टर्स पता चलते हैं तो आइए हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं तो ऑन द एवरेज द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज सेक्स रेशियो ऑफ़ 990 फीमेल पर थाउजेंड मेल जो पूरे वर्ल्ड का जो सेक्स रेशियो है इसमें हमें ये पता चलता है कि थाउजेंट मेल पे पूरे वर्ल्ड में 990 फीमेल देखने को मिल रहा है ठीक है कंट्री हैज़ हाइस्ट सेक्स रेशियो जो वर्ल्ड में सबसे हाइस्ट सेक्स रेशियो है अकॉर्डिंग टू एन बुक लेटविया ठीक है ये वन मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर ठीक है उसके बाद है कंट्री हैज़ लोएस्ट सेक्स रेशियो कौन से कंट्री में जो सेक्स रेशियो सबसे कम है तो यू यूनाइटेड अरब एमीराट ठीक है यहाँ पे थाउजेंड मेल पे फोर हंड्रेड सिक्सटी एट फीमेल देखने को मिलता है ठीक है अब जब हम कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो कॉन्टिनेंट में एशिया हैज लो सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड एशिया में जो सेक्स रेशियो है सबसे कम है एंड जो यूरोप है यूरोप हैज हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड यूरोप का जो सेक्स रेशियो है सबसे हाईएस्ट है क्योंकि वहाँ पर फीमेल ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू मेल ठीक है अब ग्रेटर पार्ट ऑफ यूरोप ठीक है जो ग्रेटर पार्ट है ना यूरोप का ठीक है इंक्लूडिंग रशिया देयर इज मेल आर इन माइनॉरिटीज़ ठीक है जो ग्रेटर पार्ट है यूरोप का वहाँ पे जो मेल है वो माइनॉरिटीज है इसके कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर के टाइम में वहाँ से जो आउट माइग्रेशन हुआ था मेल का तो क्योंकि वो डिफरेंट कंट्री में लड़ाई करने जाते थे जिसकी वजह से बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हुई थी बहुत सारे डेथ हुए थे तो इस वजह से जो ग्रेटर पार्ट ऑफ़ यूरोप और रशिया का है वहाँ पे जो मेल है वो माइनॉरिटीज़ है ठीक है नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉज ऑफ़ अनफेवरेबल सेक्स रेशियो ऑफ फीमेल जो फीमेल का अनफेवरेबल सेक्स रेशियो है उसके क्या कारण है ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में जो फीमेल का सेक्स रेशियो कम पाया जाता है तो पहला है आपका फीमेल फैटीसाइड ठीक है अब फीमेल फेंटिसाइड में क्या है कि जो लड़कियां होती हैं उनको पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है जिसकी वजह से वर्ल्ड के कुछ पार्ट में जैसे एशिया हो गया अफ्रीका हो गया ठीक है तो यहाँ पे सेक्स रेशियो कम पाया जाता है ठीक है उसके बाद है फीमेल इन्फेंटिसाइड फीमेल इन्फेंटिसाइड में जनरली क्या होता है कि कोई भी लड़की पैदा होती है तो उसको मार दिया जाता है ठीक है थर्ड है आपका डोमेस्टिक वायलेंस डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से जैसे कि डाउरी वगैरह हो गया या फिर आ, कोई भी किसी प्रकार का जो घरेलू हिंसा होता है उसके कारण भी जो फीमेल होती है उनकी डेथ हो जाती है तो इस कारण से भी जो सेक्स रेशियो है वो कम हो जाता है ठीक है फिर है लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो लो होने के कारण सेक्स रेशियो कम होता है मान लीजिए कि किसी भी कंट्री में जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है समाज में उनको अच्छा दर्जा नहीं दिया जाता है उनको मतलब कि वो पोजीशन नहीं मिलती है जो एक मेल को मिलती है इस वजह से क्या होता है सेक्स रेशियो कम पाया जाता है ठीक है फिफ्थ है आपका एजुकेशन ठीक है जो फीमेल होती है जो लड़कियां होती है उनको एजुकेशन के लिए इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता जितना मेल को एजुकेशन के लिए लड़कों को बढ़ावा दिया जाता है तो ये कुछ फैक्टर हैं कुछ रीजन हैं जिसकी वजह से जो सेक्स रेशियो है फीमेल का वो अनफेवरेबल देखने को मिलता है सो आई होप इट्स क्लियर टू यू ठीक है सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम नेक्स्ट है हमारा एज स्ट्रक्चर एज स्ट्रक्चर क्या होता है देखो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में एज स्ट्रक्चर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ठीक है इससे हमें यह पता चलता है कि किसी भी कंट्री में कितने से कितने एज ग्रुप के लोग पाए जाते हैं ठीक है जैसे कि द एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल ऑफ वेरियस एज ठीक है नंबर ऑफ़ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप इट इज़ इंपोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन ठीक है अब जैसे इसके थ्री कैटेगरी हैं एज स्ट्रक्चर के नंबर वन है जीरो टू फोर्टीन ठीक है नंबर टू है आपका फिफ्टीन टू फिफ्टी नाइन एज और नंबर थ्री है अबव सिक्सटी ईयर ठीक है ये थ्री ग्रुप है तो नंबर वन में आपको जनरली आपको आइडिया लग ही गया होगा जीरो से फोर्टीन एज में जो मैक्सिमम होते हैं वो बच्चे ही होते हैं ठीक है थीके? इनका किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक में कोई योगदान नहीं होता कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है ठीक है क्योंकि ये लोग जॉब नहीं कर सकते काम वगैरह नहीं कर सकते ये लोग एजुकेशन के लिए मतलब एजुकेशन पे खर्चा होता है इनके ठीक है उसके बाद है दूसरा जो ग्रुप है 50 टू 59, ये जो एज ग्रुप है ना ये लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 50 टू 59 इंडिकेटर लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन इनको हम वर्किंग पॉपुलेशन बोलते हैं किसी भी कंट्री का जो वर्किंग पॉपुलेशन है ना वो अगर ज़्यादा होगा ठीक है ये वाला कैटेगरी ज़्यादा होगा तो उस कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत ही अच्छा हो सकता है ठीक है उसके बाद है अबव सिक्सटी इयर्स ठीक है जो अबव सिक्सटी इयर्स है ना ये लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इज सिक्सटी इयर्स इज कॉल्ड एजिंग पॉपुलेशन इनको एजिंग पॉपुलेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी एज ज़्यादा होती है सिक्सटी ईयर से अबव होती है एंड इट्स अ रिक्वायर मोर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ठीक है इनके हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे ज़्यादा खर्चा आता है जिससे कि आ, किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक है वो थोड़ा स्लो हो सकता है ठीक है तो ये आपके थ्री आ, ग्रुप थे एज के जीरो टू फोर्टीन फिफ्टीन टू फिफ्टी नाइन एंड okay? अब सिक्सटी ईयर्स ओके आई होप इट्स क्लियर टू यू अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हम नेक्स्ट हमारा एज सेक्स पिरामिड अब एज सेक्स पिरामिड क्या होता है अ पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो कॉल्ड एंड एज सेक्स पिरामिड ठीक है पॉपुलेशन पिरामिड को हम एज सेक्स पिरामिड कहते हैं देखो एज सेक्स पिरामिड में होता क्या है जनरली हमें जो एज uh, है ना जैसे कि जीरो टू फोर हो गया ठीक है एंड थर्टी टू थर्टी फोर ठीक है फिफ्टी टू फिफ्टी नाइन इसमें एज सेक्स पिरामिड में हमें यह पता चलता है जैसे कि ये है मेल ठीक है ये है फीमेल साइड ठीक है अभी इसमें यह पता चलेगा कि जीरो टू फोर ईयर्स के जो पॉपुलेशन है इसमें कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं ठीक है इससे हमें रेशियो पता चलता है एज सेक्स पिरामिड से ठीक है पॉपुलेशन पिरामिड इज़ यूज्ड टू सो एज सेक्स स्ट्रक्चर शेप ऑफ पिरामिड सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन ठीक है जो शेप ऑफ पिरामिड है इससे किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलता है कि जो किस कंट्री में सेक्स रेशियो कैसा है और किस कैटेगरी का है जीरो टू फोर इयर्स के कितने में सेक्स रेशियो कितना है टेन टू फोर्टीन में सेक्स रेशियो कितना है क्या नंबरिंग है तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एज सेक्स पिरामिड से पता चलता है ठीक है अब जो एज सेक्स पिरामिड है ये थ्री टाइप के हैं उनको एक बार देख लेते हैं ठीक है तो टाइप ऑफ एज सेक्स पिरामिड तो पहला है आपका एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन ठीक है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में क्या है ये आपका एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का पिरामिड है ठीक है इसमें क्या है ये ट्रेंगुलर शेप को शेप का होता है जैसे कि आपको ये दिख रहा है ये ट्रेंगुलर शेप है ठीक है लेस डेवलप कंट्री ठीक है ये जो ऐसा पिरामिड आपको लेस डेवलपमेंट कंट्री में देखने को मिलेगा क्यों देखने को मिलेगा क्योंकि तो जो लेस डेवलपमेंट कंट्री होती है ना वहाँ पे जो यंग पॉपुलेशन होते, है होते हैं ना वो मोर होते हैं ठीक है ये देखिए ये यंग पॉपुलेशन है ना ये बहुत ज़्यादा है फीमेल का भी और मेल का भी इस साइड में फीमेल है आपका इस साइड में मेल है ठीक है अब यहाँ पे ना बर्थ रेट भी हाई है देखिए बर्थ रेट हाई है ना इधर नीचे ज़्यादा है और ये डेथ रेट भी हाई है डेथ भी बहुत जल्दी जल्दी हो रही है तो इस कारण से इस टाइप का जो पिरामिड है आपको बांग्लादेश मैक्सिको और नाइजेरिया जैसे अंडर डेवलपमेंट या लेस डेवलपमेंट कंट्री में आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो नेक्स्ट पिरामिड में आते हैं हम नेक्स्ट है हमारा कांस्टेंट पॉपुलेशन ठीक है कांस्टेंट पॉपुलेशन का मीनिंग ये है कि कहीं पे ना जो पॉपुलेशन है उसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है पॉपुलेशन मतलब कांस्टेंट हो चुकी है स्थिर हो चुकी है बढ़ ना बढ़ रही है ना घट रही है ठीक है तो इस टाइप का जो पिरामिड है आपका ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है ठीक है इसको बेल सेफ्ड पिरामिड बोलते हैं क्योंकि ये एक घंटी का आकार का होता है ठीक है इसको बेल सेफ पिरामिड बोलते हैं और इसमें बर्थ रेट एंड डेथ रेट इक्वल होता है देखिए यहाँ पे जो बर्थ रेट है ना और ये जो डेथ रेट है ये इक्वल ही है ठीक है और इसीलिए इसको हम कांस्टेंट पॉपुलेशन पिरामिड बोलते हैं और इसको बेल सेफ्ट पिरामिड भी बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट है हमारा डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन अब जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है क्या बताता है आपको ठीक है जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का जो पिरामिड है ये नैरो बेस होता है ठीक है ये आप देख रहे हैं ऊपर से ये नैरो हो रहा है ठीक है लो बर्थ एंड डेथ ठीक है इसमें क्या है बर्थ भी लो होता है और डेथ भी लो होता है ठीक है यहाँ पे देखिए जो यंग पॉपुलेशन है ना बहुत ही कम है बर्थ रेट बहुत ही कम है और डेथ रेट भी बहुत ही कम है देखिए मैक्सिमम ये जो ये पार्ट है ना ये मैक्सिमम है ये इसको हम एजिंग पॉपुलेशन कह सकते हैं ठीक है सो डेवलप्ड कंट्री ये जो कंडीशन बताता है ना जो डेवलप्ड कंट्री है एग्जांपल जापान ठीक है तो जापान में क्या है कि जो ग्रोथ होता है ना पॉपुलेशन का वो नेगेटिव होता है और ज़ीरो होता है ठीक है क्योंकि वहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है बहुत अच्छी होती है लोगों के पास अवेयरनेस होता है ठीक है और वो रिसोर्स को लेके काफ़ी चिंतित होते हैं और उनका जो पॉपुलेशन होता है वो ना तो जल्दी घटता है ना बढ़ता है बस ये मतलब कि इस टाइप का जो पॉपुलेशन है ना इसमें जो यंग पॉपुलेशन है बहुत कम होने की वजह से तो ये जो पॉपुलेशन धीरे धीरे ऊपर जाती है ना तो इनकी एज बढ़ती जाती है ठीक है और इनकी डेथ रेट इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है इनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी अच्छा है तो इस कारण से ये ये लोग जल्दी मरते नहीं हैं और इनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 100 टू 110 भी होता है ठीक है तो ये आपके थ्री टाइप के पिरामिड थे नेक्स्ट है आपका एजिंग पॉपुलेशन तो एजिंग पॉपुलेशन मैंने आपको अभी बताया ही दोबारा बता देता हूं दिस इज न्यू फिनोमिना ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी ठीक है ट्वेंटी सेंचुरी का न्यू फिनोमिना है और ये डेवलप कंट्री में देखने को मिलता है जो डेवलप कंट्री है वहां पे क्या होता है कि हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होती है वहां का लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छा होता है ठीक है जिसके कारण क्या है कि वहाँ के लोग वहाँ पे क्या है ना ना डेथ होता है ज़्यादा ना बर्थ होता है ठीक है तो उस कंडीशन को हम एजिंग पॉपुलेशन कहते हैं इन डेवलप कंट्री पॉपुलेशन इन हाइयर एज ग्रुप हैज़ इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज दियर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यू टू रिडक्शन इन बर्थ एंड डेथ रेट ठीक है नेक्स्ट है हमारा रूर अर्बन कॉम्पोजिशन ठीक है अब रूलर अर्बन कॉम्पोजिशन क्या है इट इज़ बेस्ड ऑन रेसिडेंस ठीक है ये जो रूलर अर्बन कॉम्पोजिशन है रेसिडेंस बेस्ड होता है ठीक है दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ठीक है द क्राइटेरिया ऑफ रूलर एंड अर्बन वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री ठीक है अब जो रूलर अर्बन कॉम्पोजिशन है ना ये कंट्री टू कंट्री अलग होता है जैसे कि अब यूरोप में देख लीजिए यूरोप के रूर एरिया में क्या है आ, मेल ज़्यादा होते हैं लेकिन जो आप एग्ज़ाम्पल इंडिया का ले लीजिए या एशिया का ले लीजिए एशिया का जो रूरल एरिया है वहाँ पर फीमेल ज़्यादा होती है अब देखते हैं ऐसा क्यों होता है ठीक है रूरल पॉपुलेशन इंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटी एंड अर्बन पॉपुलेशन इंगेज इन नॉन प्राइमरी एक्टिविटी जो अर्बन पॉपुलेशन होता है वो नॉन प्राइमरी एक्टिविटी में इंगेज होते हैं और रूरल पॉपुलेशन किस में इंगेज होते हैं प्राइमरी एक्टिविटी में ठीक है रूरल एंड अर्बन कंपोजिशन ऑफ वेस्ट यूरोपियन कंट्री इज़ डिफरेंट फ्रॉम अफ्रीकन कंट्री ठीक है अफ्रीकन कंट्री से डिफरेंट होता है यूरोपियन कंट्री क्योंकि अब जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ पे टेक्नोलॉजी अच्छा है ठीक है वहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह के लिए जो रूरल एरिया में मेल ज़्यादा होते हैं ठीक है और वहाँ पे ज़्यादातर मशीनरीज का यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में ठीक है लेकिन अफ्रीकन कंट्री में क्या है टेक्निक टेक जो टेक्निक टेक्नोलॉजी है वो इतना अच्छा नहीं है वहाँ पे तो वहाँ पे क्या है ज़्यादा फीमेल लोग खेतों में काम करती है ठीक है अब जो जो सेक्स रेशियो है आल्सो डिफरेंट इन यूरोपियन कंट्री देन अफ्रीकन कंट्री ठीक है इन वेस्ट यूरोपियन कंट्री मेल आर मोर इन रूरल एरिया एंड फीमेल आर मोर इन अर्बन एरिया जो फीमेल है वो ज़्यादा अर्बन एरिया में रहती हैं ठीक है थीके? और ऑफिस वर्क जो जो भी मतलब कि ऑफिशियल वर्क होता है वो वो लोग करते हैं और जो मेल होते हैं वो एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी में ज़्यादा इंगेज होते हैं ठीक है इन एशियन कंट्री फीमेल इज मोर इन रूरल एरिया एशियन कंट्री में फ़ीमेल रूरल एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है एग्जाम्पल के लिए इंडिया ठीक है इन एशियन कंट्री फीमेल इज लेस इन अर्बन एरिया ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग लैक ऑफ सिक्योरिटी ठीक है जो एशियन कंट्री है वहाँ पे अर्बन एरिया में फ़ीमेल इसलिए नहीं नहीं होती है क्योंकि हाउसिंग की प्रॉब्लम होती है ठीक है सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है तो ये कुछ फैक्टर हैं तो जो रूरल अर्बन कम्पोजिशन है ना डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट टाइप का है एग्जाम्पल के लिए इंडिया में रूरल एरिया में जो फीमेल का सेक्स रेशियो ज़्यादा होगा और जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ पे रूरल एरिया में मेल ज़्यादा होंगे तो ये है आपका रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन ठीक है नेक्स्ट हमारा लिटरेसी सो लिटरेसी होता क्या है व्हाट इज लिटरेसी लिटरेसी इज अ इंडिकेटर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक मेन इंडिकेटर है ठीक है अब जो इंडिया है इंडिया में इन इंडिया लिटरेट मीन्स पॉपुलेशन अबव सेवन ईयर्स एज ठीक है इंडिया के अकॉर्डिंग कोई भी पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन uh, का वो पार्ट जिसकी एज सात साल से ज़्यादा हो जो कि कोई भी चीज़ पढ़ सकता है ठीक है और लिख सकता है और अर्थमेटिक कैलकुलेशन ठीक है किसी भी कैलकुलेशन uh, को मतलब कि जमा घटा ऐसे सवाल कर सकता है उसको हम क्या बोलेंगे लिटरेट बोलेंगे अकॉर्डिंग टू इंडिया के डेफिनेशन से ठीक है इन इंडिया लिटरेट मीन पॉपुलेशन अबव सेवन इयर्स एज हु इज एबल टू रीड राइट एंड हैव द एबिलिटी टू डू ए अर्थमेटिक कैलकुलेशन विथ अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो ये था आपका लिटरेसी अब आते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में हमें ये, ये पता चलता है कि किसी भी पर्टिकुलर रीजन का कौन मतलब कितना परसेंट जो पार्ट है वो प्राइमरी एक्टिविटी में कितने परसेंट आ, सेकेंडरी में तर्सरी एक्टिविटी में ठीक है द वर्किंग पॉपुलेशन टेक पार्ट इन वेरियस ऑक्यूपेशन सच एज प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वार्टर ठीक है एक्टिविटी ठीक है तो ये था आपका चैप्टर थ्री का सभी टॉपिक इसमें क्लियर हो चुका है सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए इस वीडियो का पी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ से पी को डाउनलोड कर सकते हैं एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर गेटिंग मोर एजुकेशनल वीडियो थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग एके नॉलेज टॉप